वाले हैं अलजेब्रा बीजगणित में आगे के क्वेश्चन। कल हम लोगों ने बीजगणित में अलजेब्रा में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, आज हम उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आए कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के एग्जाम पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक। और आपको कितना कल का फार्मूला कितने जो बताए गए थे आपको कितने याद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं आपके, देखिए बहुत इजी तरीके से हम बिल्कुल कल के ट्रिक से ही करेंगे। कल हमने डिटेल में सीखा था, आज हम बिल्कुल ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दिया है कि इसमें x प्लस एक बटे x बराबर तीन, तो हम इसी को क्या कहते थे, ये किस फॉर्म का है, x प्लस एक बटे s के फॉर्म है। और ये जो दिया रहता है हम इसी को हम क्या कह दे रहे थे, k कह दे रहे थे, ठीक। और उसी के हिसाब से हम फार्मूले को अप्लाई कर रहे थे और उसने x प्लस एक बटे x का मान दिया है और आपसे पूछा क्या है, x माइनस एक बटे x का मान। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं x के फॉर्म में हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी का मान दिया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि a प्लस बी का मान दिया है तीन, तो हमें बता दीजिए कि a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, ठीक, तब भी आप यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, तो आपको हर ये बहुत ज़्यादा जब आप विलोपन विधि सीख जाते हैं, जब a प्लस बी का मान दिया होता है, a माइनस बी का मान पूछा जाता है, तो लोग बहुत लंबा लंबा करते हैं, काटते पीटते हैं तब जाके मान लाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस ट्रिक को वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं a और b का मान निकालने में, ठीक है। a प्लस बी का मान दिया होगा और साथ में ए बी का भी मान दिया होगा और आपसे कहेगा कि ए माइनस बी का मान बताइए, ठीक। तो उस टाइप के भी जब आपको दिए रहेंगे तो भी आप ये डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे कल ट्रिक सीखे थे, तो यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी का मान दिया है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, x प्लस एक बटे x के फॉर्म में दिख रहा है और आपसे पूछा है x माइनस एक बटे x का मान। तो हमने कल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जब भी x प्लस एक बटे x का मान दिया होगा और x माइनस एक बटे x का मान पूछेगा, तो हमने कल फार्मूला सीखा है क्या कि x माइनस एक बटे x बराबर, ये सॉरी माइनस का मान पूछा है ना, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो हमने कहा था अगर ये डायरेक्ट मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, k का स्क्वायर कर देंगे, मतलब k का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे और साथ में क्या लिख देंगे, फोर लिख देंगे। तो कल हमने ये फार्मूला पढ़ा था, तो k का मान हमें कहाँ से मिला, क्योंकि k का मान तो कहाँ पे दिया है, यही जो तीन दिया है, x प्लस एक बटे x बराबर जो थ्री लिखा है हमने उसी को क्या कह दिया है, k कह दिया है। तो k का मान कितना है, तीन है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तीन तीन रख देंगे, तो तीन का स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या लिख देंगे, चार लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन त्रिका नौ माइनस चार और ये क्या आ गया, अंडर रूट पाँच। तो x माइनस एक बटे x का मान कितना आ गया, अंडर रूट पांच, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। ऐसे ही फटाक से आपको आंसर लगाना है, बिल्कुल आप सेकेंड्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो मैं आपको एक्सरसाइज भी देते चल रही हूँ ताकि एक आप समझिए और दूसरा आप खुद से कीजिए। इसी टाइप का मैं बस डिजिट चेंज कर रही हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, x प्लस एक बटे x बराबर पाँच, तो x माइनस एक बटे x का मान। तो ये है आपका होमवर्क, एक क्वेश्चन तुरंत आप सीखिए, तुरंत आप होमवर्क कीजिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा आपका रिवीजन ही काम देता है। भले आप ट्रिक से कितनी भी चीज़ें सीख लें, लेकिन अगर आपके वो प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो आपके दिमाग से भी वो गायब हो जाता है, ठीक। तो ये आपका होमवर्क हो गया, मैं नेक्स्ट बता रही हूँ तीसरा क्वेश्चन, तो ये आप करेंगे खुद। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, x माइनस एक बटे एक्स बराबर
हम धीरे धीरे घात को बढ़ाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, घात एक, अघात एक सीख रहे हैं, उसके बाद हम x की घात दो सीखेंगे, उसके बाद x की घात तीन सीखेंगे, तीन चार पाँच छः ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, x की घात दो, x की घात तीन, ज़्यादा से ज़्यादा x की घात चार तक ले जाते हैं, लेकिन पाँच छः वाला कोई नहीं बताता और लोग उसी के लिए परेशान रहते हैं। तो हम यहाँ पे सारी घातों को सीखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट है x माइनस एक बटे x बराबर दिया है पाँच, तो आपसे पूछ रहा है x प्लस एक बटे x का मान। देखिए सेम वैसे ही क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको ऐसा दिखे केवल बीच के डिजिट चेंज हो और मान वही हो, यहाँ पे ये क्या हो गया, इस बार उल्टा हो गया, इस बार हमेशा क्या दिया है x प्लस एक बटे x का मान, देकर के आपसे x माइनस एक बटे x का मान, डिजिट सेम है ना, ये a के स्थान पे x है, b के स्थान पे एक बटे x है, वैसे यहाँ पे भी a के स्थान पे x है, b के स्थान पे एक बटे x है। तो यहाँ पे क्या हो गया, केवल वो उनके साइन चेंज हो गए हैं, x माइनस एक बटे x यहाँ पे उसका मान दिया गया है और x प्लस एक बटे x का मान पूछ लिया गया है। तो हमने कल तो ये क्या सीखा था, यही तो सीखा था कि जिसका मान पूछेगा और जिसका साइन रहेगा बस हम वही साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या था, x प्लस एक बटे x का मान जब पूछेगा तो हमें फिर से वही काम करना है, अंडर रूट लगाना है, इसी को हम क्या कह देंगे, फिर से k कह देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा और उसके साथ में हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर जिसको किसी को कंफ्यूजन है तो मैं इसको बता भी सकते हैं आखिर यहाँ पे 4 कैसे आता है, तो अगर जिसको कंफ्यूजन रहेगी वो कमेंट में पूछ लेगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल इसको ड्राइव करके भी बता दूंगी ताकि आपका बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे कि ये 4 आता कहाँ से है, ठीक है, जिसको भी कंफ्यूजन रहेगी। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो आज हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर ले पहले, जिसको भी कंफ्यूजन रहेगी वो कमेंट में पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे के स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा, के स्थान पे हमारा क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचम 25 प्लस 4, 25 और 4 क्या हो गया, 29। तो हमें किसका मान मिल गया, x प्लस एक बटे x का मान मिल गया। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए जब भी आप लोग मैथ सॉल्व करें तो ये इस बात का ध्यान है कि हमेशा इक्वल साइन के नीचे ही इक्वल होना चाहिए, एकदम एक लाइन से, ठीक है। बहुत बच्चे का कोई यहाँ पे लगा देता, फिर कोई यहाँ लगा देता, फिर कोई यहाँ लगा देता, तो इस बात को हम ध्यान देंगे, ठीक। तो ये भी आपने समझ लिया और इसका भी हम तुरंत एक होमवर्क लेते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपको करके लाना है, ये है आपका x माइनस एक बटे x बराबर दिया है 4, तो आपको बताना है x प्लस एक बटे x का मान, ठीक। तो ये हो गया आपका होमवर्क, ये हो गया घात एक के क्वेश्चन हो गए। अब हम घात को बढ़ाते चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, घात को अब बढ़ा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस एक बटे x बराबर दिया है 3, तो पूछा है आपसे x स्क्वायर माइनस एक बटे x स्क्वायर का मान बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपने कल सीखा था कि अगर एक घात एक से घात दो यहाँ पे क्या गया, इसको बढ़ा दिया गया, जब ये आपसे पूछा जाएगा, नहीं अभी यहाँ पे माइनस वाला नहीं, अभी यहाँ प्लस वाला कीजिए नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कल हमने सीखा था क्या, जब a प्लस बी के फॉर्म में उसका मान दिया गया हो, आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया था कल, मैंने आपको डिटेल में जब बताया था, तो हमने क्या किया था, जो मान दिया गया था उसके दोनों पक्षों का पक्षांतर कर दिए थे, है ना। मैं आपको दिखा दूं, देखिए कल हम लोगों ने क्या किया था, x प्लस एक बटे x का मान दिया गया था, तो हमने पक्षांतर करके यहाँ पे किसका मान निकाला था, x स्क्वायर प्लस एक बटे x स्क्वायर का, है ना, वही मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था। तो हम लोग क्या ना, जब हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, उसके बाद हमने कहा कि हम बार बार इतना बड़ा इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, k स्क्वायर माइनस 2 यही मान रखेंगे,
और ये माइनस कैसे आ गया, तो क्या किए थे जब हम इसको इसका पूरा वर्ग करेंगे, क्योंकि ये तो इसका फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, यही है बराबर में के स्क्वायर। तो ये जब इसके पास जाएगा तो यहाँ पे एक्स एक्स काटने के बाद यहाँ पे बचा क्या, केवल टू। अगर ये ए बी के फॉर्म का होता तो यहाँ पे हम बगल में ए बी भी लिखते हैं, है ना, टू ए बी हो जाता, लेकिन ये क्या हो गया, एक्स एक्स कट गया, इसलिए बचा हमारा क्या, टू। ऐसे ही जो हम लोग अभी एक्स प्लस एक बटे एक्स और एक्स माइनस एक बटे एक्स का मान, उसमें भी इसी टाइप के आपके फार्मूले लग के कटने पिटने के बाद आपका वहाँ पे फोर आ जाता है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको पूरा प्रूफ करके बता दूंगी, ठीक। तो हमने क्या किया था कि कल हम कहते हैं बार बार हम ये डिटेल नहीं देखेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को जब तक कंफ्यूजन होगी आप लोग बार बार डिटेल को पलट पलट के देख लीजिएगा, क्यों आप दो चार बार आप खुद ही डेरिवेशन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, ठीक। तो हम लोग क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि बैठ के पूरा डिटेल किया जाए, तो आपका अगर रिवीजन है तो आप फटाक से यही लिख देंगे। तो देखिए हम के स्क्वायर माइनस टू का देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस साइन है। अच्छा ये यहीं पे एक बात, अगर जिसको ना याद है कि हमें प्लस का साइन लगाना है कि माइनस का साइन लगाना है, तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको दोनों प्लस प्लस मिले, प्लस प्लस, तो इन दोनों के साथ अगर प्लस प्लस मिले तो फार्मूले में जो आप लगाएंगे वहां पे माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक। मतलब जैसे इसका कहने का मतलब है कि जो मान दिया है वहां पे भी प्लस का साइन है, जो मान निकालना है आपको वहां पे भी प्लस का साइन है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो जो फार्मूला लगाएंगे वहां पे माइनस रखेंगे। इसके कहने का मतलब क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर आप क्या लिखेंगे, इसको हम लोग के कहते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के स्क्वायर माइनस माइनस क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। माइनस यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि हमारा प्लस और प्लस मिलके क्या बन रहा है, माइनस बन रहा है, ठीक है। केवल इस ये तो ऐसे पक्षांतर करके आप लोग सीख भी चुके हैं डेरिवेशन के बाद भी, देखे थे यहाँ पे माइनस ही आया था, लेकिन जिसको नहीं आ रहे हम उसके लिए बता रहे हैं कि दोनों में प्लस प्लस साइन दिखेगा तो माइनस लगाएंगे, अगर दोनों में माइनस और माइनस का साइन दिखेगा तब आप क्या करेंगे, तब प्लस का साइन लगाएंगे फार्मूले में। जब आपको प्लस और माइनस साइन दिखेगा तो आप क्या करेंगे, प्लस साइन लगाएंगे, और जब माइनस और प्लस दिखेगा तो भी आप क्या करेंगे, प्लस साइन। कुल मिला के केवल एक केस में केवल आपका माइनस आएगा, बाकी सभी केस में आपके प्लस रहेंगे फार्मूले में, ठीक। तो यहाँ पे हमारा एक्स प्लस एक बटे एक्स का मान दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान पूछा है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट के स्क्वायर माइनस टू कर दिया, तो के का मान कितना है, तीन है, तो तीन का वर्ग तीन स्क्वायर माइनस दो, तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन त्रिका नौ माइनस दो बराबर सात, तो हमारा इसका मान कितना आ गया, सात आ गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, फिर से दिया है एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर पाँच दिया है और आपसे पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर का मान बताइए, ठीक। तो ये आपका हो गया होमवर्क। अब दूसरा क्या है, देखिए अगला टाइप है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा चिन्ह का, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, नहीं तो प्लस की जगह पे आप माइनस करके पता चले सॉल्व कर दिए और आपका सोचेंगे कि अरे मेरा तो सही है लेकिन वो हो गलत, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक्स माइनस एक बटे एक्स बराबर दिया है चार, तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए फिर से वही काम करेंगे, लेकिन आप अभी आपको क्या करना है, कल मैंने आपको इसमें भी प्रूफ करके बताया था कि जब अगर आप इस पक्ष का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर जब इसको पूरा ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस टू बचेगा, और जब वही माइनस टू इसके पास पक्षांतर होगा तो प्लस बन जाएगा। तो ऐसे भी अगर अगर आपको याद है तब तो ठीक है, नहीं तो अभी मैंने क्या बताया कि चिन्ह वाला ध्यान दे देंगे कि अगर माइनस, अगर ये एक माइनस हो, एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो वो भी क्या हो जाएगा, जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। या तो आप इस चीज से ये याद रखिए, लेकिन ये इतना बड़ा ये चिन्ह वाला काम याद करने से अच्छा है कि आप जो प्रूफ कर चुके हैं उसी से याद रखिए, ज्यादा आपके दिमाग में रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे करेंगे, अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस टू बचेगा ना, तो माइनस टू इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस टू हो जाएगा। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर प्लस में
टू। अभी यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, अभी अभी जो पिछला सवाल यहाँ पे किया हुए हैं माइनस किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका जब वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू होगा, और वही प्लस टू जब इसके पास जाके पक्षांतर होगा तो वो माइनस टू हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस टू लिखे थे। ठीक है, इसलिए मैं हर टाइप के क्वेश्चन ले रही हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, और प्रूफ कर प्रूफ के साथ ही बताते चल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस टू, के का मान आप इस बार कितना है, इसी को हम क्या कहते हैं, के कह देते हैं, जो एक्स ए माइनस बी के फॉर्म में या फिर ए प्लस बी के फॉर्म में दिया है, तो के का मान यहाँ पे आपका क्या हो गया है, चार हो गया है। तो चार का स्क्वायर प्लस दो, तो चार चौक सोलह प्लस दो बराबर क्या हो गया, अट्ठारह हो गया। ये आपका आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया, किसका मान आपने जो ये मान पूछा गया था, इसका मान आपका क्या आ गया, अट्ठारह आ गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट, देखिए बहुत ही ध्यान देने वाला ये क्वेश्चन है। देखिए इस बार क्या दिया है, एक्स प्लस एक बटे एक्स बराबर दिया है तीन, तो आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक बटे एक्स स्क्वायर। ठीक, यहीं पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने जो भी फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी वाले में, उसमें कहीं पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए भी आया था, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, तो आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि अगर हम इसको ए कह रहे हैं, ए स्क्वायर फिर माइनस है, और इस पूरे को बी कह रहे हैं, तो हमने ये वाला तो फार्मूला पढ़ा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ठीक, तो उसी के फॉर्म में हम इसको तोड़ लेंगे, तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एक बटे एक्स और एक्स माइनस एक बटे एक्स। ठीक, ये या फिर चाहे हम इसको ये कहें, चाहे ये करके ये निकाले, चाहे इसको कह के इसको निकाले, तो आप क्या कहेंगे, एक्स प्लस एक बटे एक्स माइनस एक बटे एक्स।